फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। मौसम बदलते ही लोगों को सर्दी, खांसी, जुखाम, गले में इन्फेक्शन जैसी कई बीमारियां घेरने का खतरा दुगना बढ़ जाता है। ऐसे में यदि हम कुछ बातों को ध्यान देंगे तो इन बीमारियों से आसानी से बचा जा सकता है। लगभग सभी घरों के किचन में लहसुन और शहद तो जरूर रहते हैं, लेकिन दादी नानी के घरेलू उपचार के बारे में जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। लहसुन और शहद दोनों ही प्राकृतिक गुणों से भरपूर है। जहां लहसुन में कई प्रकार के औषधीय गुण होते हैं, तो वहीं शहद में शरीर को जवां और ऊर्जा देने का काम करता है। लेकिन यदि दोनों को मिश्रण करके सेवन किया जाए तो आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं लहसुन और शहद के मिश्रण का सेवन करने से आप किन किन रोगों से बच सकते हैं। यदि साइनस की समस्या या सर्दी जुखाम हो गया हो तो आप लहसुन और शहद को मिलाकर सेवन करें। ऐसा करने से शरीर के अंदर की गर्मी बढ़ती है, जिससे ऐसे सभी रोग खत्म हो जाते हैं। गले में इन्फेक्शन होना एक आम समस्या है, ये संक्रमण की वजह से होता है। शहद और लहसुन को एक साथ मिलाकर सेवन करने से गले की समस्याएं जैसे गले में सूजन, गले में खराश आदि दूर हो जाती है। लहसुन और शहद का मिश्रण शरीर की गंदगी को डिटॉक्स कर देता है, इससे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है। यदि आपको या फिर घर में मौजूद शिशु को दस्त अधिक लग रहे हों, तो आप लहसुन और शहद की थोड़ी सी मात्रा का सेवन करें, इससे डायरिया यानी दस्त की समस्या ठीक हो जाएगी और पेट भी संक्रामक बीमारियों से बचा रहेगा। लहसुन और शहद को मिलाकर सेवन करने से दिल की बीमारी का खतरा कम हो जाता है। यही नहीं, लहसुन और शहद का मिश्रण रक्त संचार को ठीक रखने के अलावा दिल की धमनियों में जमी वसा को भी खत्म कर देता है। शरीर में बीमारियों के लगने की मुख्य वजह है हमारे शरीर के इम्यून तंत्र का गड़बड़ रहना या कमजोर रहना। इम्यून सिस्टम को यदि आप मजबूत बनाए रखना चाहते हो तो आप नियमित लहसुन और शहद से बने मिश्रण का सेवन करें। शरीर में जब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तब सारे शरीर में संक्रमित हो जाता है और शरीर धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। ऐसे में शहद और लहसुन को मिलाकर खाने से फंगल इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह की और वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।